अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास एक एम्ब्रियो के अंदर जब हम कोई चेंजेस इंड्यूस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। हमारे पास एक एम्ब्रियो है लेट्स सपोज, और हम उस एम्ब्रियो के अंदर कुछ टिश्यूज़ का एक टिश्यूज़ का क्लस्टर इंड्यूस कर देते हैं। अब उस एम्ब्रियो के अंदर जिसमें हमने चेंजेस जनरेट की हैं, जिसके अंदर हमने इंडक्शन की है, उस एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा। उस इफ़ेक्ट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और हमारे पास टॉपिक होगा एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को फर्स्टली डिफाइन कर लेते हैं। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है? दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडक्शन ऑफ सर्टेन टिश्यूज इन टू एन एम्ब्रियो। एंड हम क्या करते हैं, हम एक एम्ब्रियो लेते हैं और उसमें कुछ सर्टेन टिश्यूज इंड्यूस करवा देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंडक्शन वो जो इंड्यूस्ड टिश्यूज हैं दे इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, दे प्रोड्यूस सम चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस। और उन चेंजेस को हम यहाँ स्टडी करते हैं कि उस इंड्यूस्ड एम्ब्रियो की वजह से जो चेंजेस जनरेट हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रोसेस इन विच इंडक्शन ऑफ सर्टेन टिश्यूज ऑफ एन एम्ब्रियो इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अदर टिश्यूज, दैट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। यहाँ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को प्रूव करने के लिए और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए हॉन्स स्पेमैन है और हिल्डे मैनगोल्ड है। मैनगोल्ड एंड स्पेमैन परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव the embryonic induction and to prove the concept that really the some changes occur when a tissue is induced into a developing embryo. When we have a developing embryo and we induce some tissues, we induce some cluster of cells, there is a some developmental changes. To prove these developmental changes, Hilde Mangold and Spearman performed an experiment. They took two embryos. In 1924 they took two embryos of the salamander embryos liye upon the stage of gastrula. Hum lastly discuss kar chuke hain ke एम्ब्रियो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डेवलप करता है। एम्ब्रियो की हमने स्टेजेस पढ़ी, क्लीवेज पढ़ा हमने, मोरूला स्टेज पढ़ी, ब्लास्टुला स्टेज पढ़ी हमने, गैस्ट्यूला स्टेज पढ़ी। तो इन्होंने मैनगोल्ड एंड स्पेमैन टूक द एम्ब्रियो ऑन गैस्ट्यूला स्टेज, दो एम्ब्रियोज लिए सिलेमेंडर के अपॉन गैस्ट्यूला स्टेज एंड रिमूव द पीस ऑफ ब्लास्टोपोर लिप एंड रिमूव द पीस ऑफ ब्लास्टोपोर लिप फ्रॉम द वन एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो में से ब्लास्टोपोर लिप रिमूव किया एंड ब्लास्टोपोर लिप वॉज ओरिजिनली द पोर्शन, अंडरस्टैंड दैट द ब्लास्टोपोर लिप इज ओरिजिनली द पोर्शन फ्रॉम विच नर्वस सिस्टम विल डिवेलप, फ्रॉम विच नोटोकॉर्ड डिवेलप, फ्रॉम विच सोमाइट्स डिवेलप एंड फ्रॉम विच न्यूरल प्लेट डिवेलप। तो ये वो पोर्शन होता है जिससे नर्वस सिस्टम डिवेलप होता है। तो नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन में ब्लास्टोपोर लिप इन्वॉल्व है। स्पेमैन एंड मैनगोल्ड रिमूव द ब्लास्टोपोर लिप फ्रॉम द वन ऑफ द सिलेमेंडर एम्ब्रियो एंड देन introduced and transplanted it into the other on the lateral portion or on the ventral portion during the gastrula stage. So repeat kar raha hu, they took two embryos at gastrula stage, ek ka dorsal plastopore lip dusre mein implant kiya. Results kya aaye yahan pe, results aap dekh sakte hain, जो ग्राफ्ट किया था, जो इम्प्लांट किया था, ट्रांसप्लांटेशन की थी, ग्राफ्टेड टिश्यू डेवलप द नोटोकॉर्ड एंड स्माइट। जो ब्लास्टोपोर लिप इंड्यूस किया था उसने भी क्या किया, ऑलरेडी एक एम्ब्रियो में ऑलरेडी प्रेजेंट था डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप, उसमें एक और डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप इम्प्लांट कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या होगा, देर विल बी द डिवेलपमेंट ऑफ द सेकेंड नोटोकॉर्ड एंड द सोमाइट्स
एंड इट आल्सो इंड्यूस द सेकंड एम्ब्रियो टू फॉर्म द न्यूरल ट्यूब कंप्लीट नर्वस सिस्टम. तो क्या हुआ, दो नर्वस सिस्टम डेवलप हुए. एक तो उस एम्ब्रियो का अपना नर्वस सिस्टम बनना ही बनना था, सेकेंडली जो नया ब्लास्टोपोडलीप इंड्यूस करवाया उसकी वजह से भी क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन होगी, सोमाइट्स बनेंगे. तो डेवलपिंग एम्ब्रियो हैव बोथ ग्राफ्टेड एंड इंड्यूस्ड टिश्यूज, जो उसके अंदर अपने टिश्यूज हैं और जो हमने इंड्यूस किए हैं ग्राफ्टेड टिश्यूज हैं, दोनों मौजूद हैं, दोनों डेवलपमेंट करवा रहे हैं. देयर वाज ऑब्जर्व्ड दैट only the cells of blastopore are capable of inducing a complete embryo. That means के एक embryo जो कि normally develop कर रहा था और उसके अंदर dorsal blastopore leaf भी मौजूद था, notochord भी बनना था, neural plates, mites बनने थे, वहाँ नया जो हमने implant किया, transplant किया जो dorsal blastopore leaf, उसकी वजह से भी क्या बनेगा, नया nervous system develop होगा. और observe ये किया गया कि जो dorsal blastopore leaf है ये मीन पूरे एम्ब्रियो में ये वो स्पेसिफिक साइट है, ये वो स्पेसिफिक एरिया है जो पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप करवा सकता है. सो इसको मैनगोल्ड ने और स्पेमैन ने नाम दिया प्राइमरी ऑर्गेनाइजर. प्राइमरी ऑर्गेनाइजर इज अ ब्लास्ट डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप विच कैन प्रोड्यूस नोटोकॉर्ड, विच कैन प्रोड्यूस सोमाइट्स एंड विच कैन प्रोड्यूस न्यूरल प्लेट. इसको डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप को सोमाइट्स, न्यूरल प्लेट, न्यूरल ट्यूब बनाने की वजह से, नोटोकॉर्ड बनाने की वजह से नाम दिया गया या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का. और ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किया गया दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप इंड्यूस करवाया है और डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप इंड्यूस करवाने से क्या हुआ है, चेंजेस इंड्यूस हो गई हैं, सो इट्स कॉल्ड एज प्राइमरी इंडक्शन. तो देखिए यहाँ प्रोसीजर को ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिए, यह आपके पास एक एम्ब्रियो था और यह आपके पास कोई दूसरा एम्ब्रियो है अपॉन गैस्ट्यूला स्टेज. अब इस एम्ब्रियो में ये डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप को यहाँ पे कट आउट किया, डॉर्सल ब्लास्टोपोर लिप को प्लेस कर दिया यहाँ पे दूसरे वाले एम्ब्रियो के अंदर. कंसिडर दीज टू आर द एम्ब्रियो एट गैस्ट्यूला स्टेज एंड ब्लास्टोपोर लिप फ्रॉम वन ऑफ द एम्ब्रियो इज रिमूव्ड एंड ट्रांसप्लांटेड इन टू द अदर एम्ब्रियो. जहाँ पे ऑलरेडी इसका ब्लास्टोपोर लिप मौजूद था, जहाँ पे इसकी प्राइमरी इन्वेजिनेशन अंदर को ये टर्न हुआ था, यहाँ ब्लास्टोपोर लिप मौजूद था. अब यहाँ पे जब हम ब्लास्टोपोर लिप इंड्यूस करवाएंगे उसके रिजल्ट में दूसरी तरफ ऑलरेडी पहले इन्वेजिनेशन थी ड्यू टू द ऑलरेडी प्रेजेंट ब्लास्टोपोर लिप, और यहाँ एक सेकेंडरी इन्वेजिनेशन बनेगी ड्यू टू द इंड्यूस्ड ब्लास्टोपोर लिप. अब इस इंड्यूस्ड ब्लास्टोपोर लिप ने क्या किया है, इन्वेजिनेशन जनरेट की है, और एज अ रिजल्ट जब डेवलपमेंट प्रोसीड होगी तो आप देखिए प्राइमरी से भी नोटोकॉर्ड बनेगा, सोमाइट्स बनेंगे और न्यूरल प्लेट बनेगी, और जो सेकेंडरी था, सेकेंडरी या इंड्यूस्ड जो ब्लास्टोपोर लिप था, दिस विल आल्सो फॉर्म नोटोकॉर्ड, आल्सो फॉर्म सोमाइट्स एंड आल्सो फॉर्म न्यूरल प्लेट. ये जो पूरा प्रोसीजर है जो नॉर्मली इस ब्लास्टोपोर ने परफॉर्म करना ही था, वो इंड्यूस्ड ब्लास्टोपोर लिप भी परफॉर्म करवाएगा और दो जगहों पे नोटोकॉर्ड, न्यूरल प्लेट और सोमाइट्स बनेंगे. अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये जो नोटोकॉर्ड, सोमाइट्स और न्यूरल प्लेट बने हैं ये ऑलरेडी प्रेजेंट ब्लास्टोपोर लिप की वजह से बने हैं, और ये जो बने हैं ये इंड्यूस्ड ब्लास्टोपोर लिप की वजह से बने हैं. अब वो जो इंड्यूस्ड ब्लास्टोपोर लिप था दैट वाज अ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, उसने क्या करवाई, प्राइमरी इंडक्शन मीन जो इनिशियल चेंजेस हैं, पहले नॉर्मली ये इतना डेवलप होना ही था, इसने इसमें चेंजेस इंड्यूस की, और एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस ये इस तरफ जो फॉर्मेशन हो रही है नोटोकॉर्ड की, सोमाइट्स की और न्यूरल प्लेट की, इससे फिर एक नया एम्ब्रियो मीन यहाँ अब दो एम्ब्रियो हैं, वन इज कॉल्ड प्राइमरी एम्ब्रियो जो कि इसके प्राइमरी डॉर्सल लिप से बनना था, और वन इज सेकेंडरी एम्ब्रियो विच इज इंड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड या ग्राफ्टेड ब्लास्टोपोर लिप. तो ये एक पूरा प्रोसीजर परफॉर्म होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन. व्हेन वी इम्प्लांट सम टिश्यूज इनटू एन एम्ब्रियो दे इंड्यूस चेंजेस, दे डेवलप सम मॉर्फोलॉजिकल एंड सम डेवलपमेंटल चेंजेस, सम डेवलपमेंटल
responses into that embryo in which the tissues are grafted. So आज का हमारा ये topic था about embryonic induction. Hope so you will understand. And if you have any ambiguity, any question, you can write down in the comment section. So I will answer. तो इंशाल्लाह इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त. दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.